मालिश अच्छी करो, और एक्सरसाइज करो और मालिश करो, स्कूल की एक्सरसाइज करो, रात में सोते वक्त में अच्छा मालिश करो, शायद तेल से बोलो जी, एक 2 मिनट बात करते हैं। पूरा ऐसा ऐसा मालिश हाँ, सोमत में उसके लिए उसके क्या करो, चिलगोजा साफ ये टाइम दोपहर का खाना खाएगा, खा लेना, पानी नहीं पी, पहले पानी पी, कम से कम 1 घंटे दो साथ खोल के साथ पानी। रात भी रात में नहीं खाना, सुबह में नहीं खाना, ये टाइम में उसका पानी उसका तरीका है, और साथ उसी दाने साथ देखो इसे तो कमजोरी आदमी है, और खुला मतलब वो पूरा वो पूरा बॉडी किसने आता वो मेरा जो है इंशाल्लाह थोड़ी तुम्हारी असर वगैरह तो नहीं साल नहीं नहीं होने से नहीं तो थोड़ा और जरा से आया ना अति का बात हाँ हाँ आधा समझ सकते हैं विराट बिरयानी देखा पूरा अल्हम्दुलिल्लाह उसको ये खा लिया अरे मैं तो कई बार बोला है, कई बार बुक के लिए अम्मी को बोला इसमें ना ऐसा क्या वो बंद कर देख रहा है पर नहीं वो नीचे का बटन के बाजू का एक वो नीचे का हाँ वो बंद ये दोनों दोनों ये दोनों हेलो 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 कौन सर वाल सर जी आसिफ भाई चलिए माफी चाहता हूँ मैं जी सर अस्सलाम वालेकुम हमारे कॉलेज के प्रेसिडेंट आ गए थे गाड़ी क्लिनिक खुली देख के कोई बात नहीं सर इत्तेफाक से आ गए और वो बातों में लगा देते उनको क्या काम है ऐसा है चलिए आज हम जिस ताल्लुक से बात आवाज आ रही है ना कोई बात नहीं सर आसिफ भाई जी स्टार्ट करें हाँ इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हाँ सर आ रही है क्लियर आ रही है हाँ अभी इसमें कैसा है हम जिस टॉपिक पे हम बात करना चाह रहे थे उसी टॉपिक के अंदर मैं थोड़ा तब्दीली लाते हुए जो है तो तब्दीली लाना चाह रहा था तब्दीली ये लाना चाह रहा था कि हमने जो अखलाक पढ़े हैं अखलाक के साथ ही अमराज और फिर उन अमराज से का ट्रीटमेंट अगर हम पढ़ लें तो हमको बहुत जो है तो आसानी होगी जर्नल प्रैक्टिस जब हम कर रहे हैं अगर यूनानी तो उसके अंदर हम किस तरीके से जो है तो दवाएं इस्तेमाल करेंगे ये ऐसा मेरा अपना एक इरादा है तो आज मैं आपको इससे पहले दो जो खिल्त पढ़ा चुका हूं एक क्या बोलते हैं अपना दम और बलगम तो दम और बलगम के बाद में था सफरा और सौदा तो मैं उसको मुख्तसर आपको बताते हुए अरे ये बताना चाह रहा हूँ कि सफरा रहो बलगम रहो दम रहो या सौदा रहो बहरहाल जब भी गैर तबई होंगे वो गैर तबई जो होने के बाद ही जिसमें इंसानी के अंदर मर्ज जो है तो पैदा करेंगे तो मैं मुख्तसरन गैर तबई चीज को लेते हुए तीसरी जो हमारी खिलत है वो है खिलत सफरा बलगम में भी आपने देखे कि बलगम किस तरीके से जो है तो गैर तबई हुआ
बलगम है, गैर तबई के आपने खिसने पड़े और क्या बोलते आपके बोल रहे ये किस किस इससे जो है तो बलगम गैर तबई होता है वो चीज हमने देखी। बलगम जो है तो सबसे पहले उसका मिजाज पड़ा और उसके बाद में जो है तो उसके उसका तबई बलगम रहा तो क्या क्या करता है और फिर गैर तबई बलगम की चीजें पड़ी। हम उसमें मजे के लिहाज से बलगम की चार किस्में हमने देखे और बलगम की खिमाम के लिहाज से भी हमने चार किस्में देखे और एक किस्म जो थी वो वो के लिहाज से हमने बलगम में देखे। अब ये जो चीज है इसको आपको कहाँ पे और किस वक्त आपको ये इस्तेमाल में आएगी, काम में आएगी और कब ये आपको समझ में आएगी, जब आप मरीज से इस तरीके से मजा पूछेंगे और इस तरीके से आपके सामने अगर खिमाम को आपको देखना है तो जैसे खांसी आई है किसी को, वो खांसी है तो आप उसको पूछेंगे बलगम आता है क्या, तो वो बोलेगा जी हाँ बलगम आता है। बलगम आता है तो आप ये देखेंगे कि उसका रंग किस तरीके से है और वो कैसा है, यानी एकदम पतला पानी की तरह से आता है कि गाढ़ा एकदम गाढ़ा आता है या म्यूकस के जैसा आता है या और उससे भी गाढ़ा कांच की तरह से आता है। ये आपको अगर मालूम हो गया और आपके जहन में बात आ गई तो जब आप ट्रीटमेंट पार्ट पे अगर हम जाएंगे, अब ये बलगम ही इसके अंदर जब हम ट्रीटमेंट के पार्ट पे जाते हैं तो हम बलगम में सबसे पहले अगर लेंगे तो हमको एक चीज समझ में आएगी। देखिए ज्यादातर जो पेशेंट मौसमी एतवार से आते हैं जब सर्दी बढ़ जाती है, तो जैसे अस्थमा के पेशेंट है या सिर्फ खांसी के पेशेंट है। अब खांसी दो किस्म की है, देखिए एक होती है आप लोग बोलते हैं बलगमी खांसी और एक जो है तो सूखी खांसी होती है। बलगमी खांसी में आप ने बलगम कैसे आ रहा है क्या है आपको वो उसका अंदाजा होना चाहिए। तो अगर अब ये मौलेजाती पार्ट में जब जाएगा आपको इसका जर्नल तौर पे पेशेंट आया ट्रीट करना है तो एक जर्नल दो नुस्खे मैं आपको बता देता हूँ जो हम ज्यादातर पेशेंट को जो है तो इस्तेमाल कराते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, आप बोले तो अभी मैं क्लिनिक पर ही हूँ, मैं आपको पेपर बाजाबता तौर पे डाल सकता हूँ सीओपीडी का पेशेंट का कितना उसको जो है तो रिलीफ है आपके। तो इसमें हम क्या करते हैं करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि अगर बलगमी है तो उसको किस तरीके से जो है तो दूर किया जाए और अगर वो ड्राई है तो कैसा किया जाए। तो हम बलगमी में क्या करते हैं, नॉर्मल तौर पे एक चम्मच शहद और एक चुटकी काली मिर्ची का पाउडर और आधा चुटकी नमक तीनों मिलाकर जो है तो चाटने के लिए कहते हैं। चाहे उसको अस्थमा का अटैक आ रहा हो तो जैसा वो नेबुलाइजर लगाते हैं या नेबुलाइजर वो अगर ले रहा है तो आप वैसे ही वक्त में आप जो है तो इसको चाटने के लिए दे दे, वो ये करते रहेगा दम आते रहेगा उसको, आहिस्ता 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 उसको चटाना शुरू कर दीजिए आप। और अगर ड्राई कफ हो गया और खांसी, देखिए ड्राई कफ कब होता है इसी बलगम के साथ में सफरा, आगे जब सफरा पढ़ेंगे तो सफरे में समझ में आएगा, सफरे गैर तबई में आपको समझ में आएगा। सफरे गैर तबई तो तरीके से जो है तो ये अपना काम, तो खुश खांसी सफरे की जब मिलावट हो जाएगी, क्योंकि लंग्स को सफरे की गजाइत भी चाहिए, लंग्स का कलर हम आप देखेंगे तो सफरे का कलर आप जब देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा उसके कलर के हिसाब से। तो जब और ये सफरे का मिजाज भी मैं आपको, तो खुश्क खांसी जब होगी तो आपको हम जो इस्तेमाल करते हैं इतना कॉमन चीजें हैं आप
उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते यकीन में। ये तो हम पेशेंट को बोल देते हैं, हम सिर्फ खुश्क खांसी में या तो अमूल बटर लेंगे, या तो आप घी ले सकते हैं, या मक्खन ले सकते हैं, मलाई ले सकते हैं, और इसके ऊपर एक चुटकी आप मिश्री डाल दें, एक चम्मच मक्खन लिया या घी लिया या जो भी लिए उस पर एक चुटकी जो है तो आप वो डाल दें, और वो भी आप चाटने के लिए उसको दे दें। देखिए क्या है, खुश्की आ रही है तो आपको वहां पर जो है तो रतपन चाहिए, और जहां पे रुतुबत है वहां उसको आपको खुश्की गालिब करना है, तो शायद गर्म होता है। और एक बात आप हमेशा याद रखें, जो सफरवी मिजाज वाला है वो उसको शहद का इस्तेमाल वैसे ज्यादा नहीं करना चाहिए, उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज होती है घी, वो भी असली घी चाहिए। ये मेरे हमारे तजुर्बे में हम लोग देखते रहते हैं और हम यही चीजें जो है तो पेशेंट को जो है तो बताते रहते हैं। आवाज आ रही है आसिफ भाई? हेलो, आ रही है सर? आ रही, सबको आवाज आ रही है? हाँ सर, अभी आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। हाँ जी सर, अगर आपके पास पेन या कापी है तो आप जरा पेन और कापी रख लीजिए साथ में। सर एक वो बलगम में वाला दोबारा बताइए, एक चम्मच शहद, एक चम्मच शहद, एक चुटकी काली मिर्ची का पाउडर, सिल्फिन सिया का पाउडर, आधी चुटकी नमक, नमक व्हाइट। हाँ आसिफ भाई, एक जगह इत्तेफाक ऐसा हुआ था मेरे से इस ताल्लुक से, मैंने ये नुस्खा बताया। हाँ हेलो, तो सामने वाला मेरे क्या बोलता है, क्या सर अगर हम इस तरीके से पेशेंट को अगर नुस्खा बता देंगे तो वो पेशेंट जो है तो जाके खा लेगा और वो हमको क्या फायदा होगा? तो फायदा ये होगा, आप अपने क्लिनिक में शहद रखिए, वो पूछेगा शहद क्या मिलता है, लो ये शहद मिलता है, ये हो गया आपका काम। आप सुफूफ बना के रख लीजिए काली मिर्ची का, उसको क्या मालूम, आप बोलो ये सुफूफ जो है तो उसमें मिला के डाल के खा लीजिए, या कैप्सूल में भर के रख लो और वो कैप्सूल खोल के खिलाओ उसको, और जरा उसको क्या बोलते नफसियाती ये करना कीजिए आप। इसी तरीके से आपकी क्या बोलते तो मिश्री को भी पाउडर कर लो और उसको बोलो कि ऐसा नहीं ऐसा खाओ। मेरा ये बताने का मकसद दोनों है, वो आप समझ सकते हैं। आप बोलेंगे क्लिनिक में बैठेंगे और बता देंगे पेशेंट जाओ घर को या खा लो, ऐसा नहीं है। आप इससे क्या फायदा ले सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, वो आपके सामने रहेगा। तो ये हो गई एक चीज बलगम के इलाज में। अगर इसमें आपको और ज्यादा डिजीज मिल रही है, जैसे अस्थमा मिल रहा है, अब आपको अस्थमा में दो अस्थमे मालूम है, एक कार्डियक अस्थमा और एक जो है तो ब्रोंकल अस्थमा। अभी ब्रोंकल अस्थमा में ज्यादातर हम लोग जो कॉमन तौर पर जो हमदर्द की या किसी कंपनी की दवा चलाते हैं, बगल नुस्खे अलग होते हैं, यानी जो क्लासिकल हमारी अपनी जो दवाएं हैं उसके अंदर देखे होंगे आपने अस्थमा में ज्यादातर जो है तो लोह कता और लोह शपिस्ता, खैर शंबरी या लोह शपिस्ता का हम जो है तो इस्तेमाल करते हैं, लोग शरबत सद्र करते हैं और भी जो है तो दूसरे जो भी शरबत है वो इस्तेमाल करते हैं। आपने कोविड के वक्त में बहुत महाराष्ट्र में एक सुना होगा, महाराष्ट्र में हमारे मालेगांव के कॉलेज का एक बहुत काढ़ा चला था, मेरे उस्ताद उसी कॉलेज के थे और वो नुस्खा मैं आज से नहीं कम से कम 30 साल से उनके साथ जब से था 1991-92 की बात बता रहा हूँ, जब का वो हमारा नुस्खा था। अब वो कॉलेज में वहाँ पढ़ाते थे, वो वहाँ पे इस्तेमाल में होता था, वहाँ के लोगों को बेचारों ने उसमें मालूमात निकाले और जो है तो उसको उस वक्त आम किया। उसमें भी 7-8 दवाएं हैं, तो आप जो है तो चाहे तो नुस्खा बना लें, अस्थमा का जो नुस्खा आता है उसका जो है तो आप इस्तेमाल करें, या नहीं तो आप अपने तौर पर आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि हम किस तरीके की दवाएं जो है तो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब यहाँ पे एक इसमें मेरे किताब का नाम याद नहीं आ रहा, ध्यान में नहीं आ रहा है, बलगम शोर जो होता है, बलगम शोर ज्यादा सख्त होता है और बलगम शोर की जो खासियत होती है ये रगों के अंदर जो है तो ज्यादा मुताफिन होता है, इससे बुखार बहुत ज्यादा आते हैं। तो तुख्मे कसूस का जो शानदार सिर्फ और सिर्फ कुछ आप उसको जो है तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमको एक चीज याद रखना चाहिए, अगर वाकई में हम ट्रीटमेंट पार्ट पे जा रहे हैं, हम मुंजिज और मुसिल कर सकते हैं, तो आप जो है तो मुंजिज और मुसिल नुस्खा जो है तो तैयार कर सकते हैं। वो आपको अपने तौर पर आपका अंदाजा होगा कि किस तरीके से मुंजिज और मुसिल दवाओं का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या मौद्दिले बलगम दवाओं का जो है तो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो हम अस्थमा के अंदर मैं बता रहा था तुखमे कता और ये या शरबत। अब दूसरी कंपनी के कई और बहुत सारी दवाएं आती हैं, आप उसके हिसाब से जो तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि भाई बलगम निकले और आपको जो है तो उस पेशेंट को रिलीफ आने लगे, तो हमारे पास एक मेरे अपने मैं आपको पूरे नुस्खे बताते चल रहा हूँ। हम लोग जो कामन तौर पर जो इस्तेमाल में नुस्खा करते हैं वो नुस्खे में सिर्फ तीन दवाएं हैं। एक तो उसके अंदर सुहागा बिरिया, दूसरा काली जीरी और तीसरा जो है तो आपके असलस सूफ। ये तीनों हम वजन हम जो है तो इस्तेमाल करके इसकी 500 एमजी की टैबलेट बनाते हैं और उसका जो है तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खास तौर पर हम लोग क्या बोलते हैं नजला जुकाम खांसी में देते हैं, और जो बड़ी डिजीज वाला भी आता है उसको भी जो है तो हम जैसे अस्थमा की बात कर रहा हूँ आपसे, अस्थमा के अंदर भी हम जो है तो इसको देते हैं। 500 एमजी की बनाई है तो आप हम उसको कभी बहुत ज्यादा सीवियर अटैक रह रहा है वो हो रहा है तो उसको हम दो दो गोलियां जो है तो देते हैं, और इसके साथ में लहू जो भी देना है बाहर से लिखकर जो है तो एम्प्टी स्टमक हम उसको चलाते हैं या रात में सोते वक्त चलाते हैं, और खाना खाने से पहले जो है तो ये टैबलेट दे देते हैं। और इसके साथ में मेरी अपनी पर्सनल तौर पर मैं जो इस्तेमाल करता हूँ, मेरा जो ज्यादातर कॉन्सेप्ट है, मैं गबिदुल वर्त को हब्बे नौ कभी नौ शादरी को या अक्सर जिगर को ज्यादा इस्तेमाल में मेरे पास रहता है। मोस्टली ये तीन दवाएं चीजें जो है मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, या हब्बे तिनकार का मैं इस्तेमाल करता हूँ, या फिर त्रिफला का इस्तेमाल करता हूँ जिसमें हड़ बहड़ आंवला है। त्रिफला में अक्सर जिगर के अंदर जो है तो रेवंचीनी शोरा खलमी नौशादा ये है, और हब्बे कभी तो कंपनियों की आती है मेरे ख्याल से आसिफ भाई बनाते हैं। आसिफ भाई आपकी हब्बे कभी नहीं आती है ना? जी सर। हब्बे कभी नौशादा आप नहीं बनाते ना? नहीं सर अभी नहीं बना रहा था कभी। हाँ आसिफ भाई का माजून दबी दुवर्दी भी अच्छा है, और मेरे ख्याल से लोग शपिस्ता भी बनाते हैं आसिफ भाई आप? जी हाँ सर, माजूनात और जवारिशात में सब बनता है। जी जी भारत मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरे पास भी आसिफ भाई का एक सुफूफ आता है, सुफूफ तफ्सीर, आप यकीन नहीं करेंगे एसिडिटी में सबसे बेहतरीन मेरे पास यही काम करता है। हम लोग जो है तो ज्यादातर उसी को इस्तेमाल करते हैं, हम जो है तो एक चुटकी के बराबर 3 से 5 ग्राम तीन ग्राम के अंदर हिसाब डाल के जो है तो पेशेंट को इस्तेमाल कराते हैं। तो इस तरीके से ये बलगम गैर तबई से जो अमराज आपके जिस्म के अंदर पैदा हुई है और भी जो अमराज हैं इसमें देखिए COPD होगा, क्या हो गया? नहीं क्लिनिक है सर? नहीं नहीं क्लिनिक है, वो एक ही है, बाकी क्या भी नहीं।
नहीं कोई नहीं, थैंक यू। तो ये इसमें हम क्या ये देखेंगे कि जो बलगम गैर तबई हो रहा था वो बलगम गैर तबई क्या, और एक बहुत इम्पोर्टेंट डिजीज जो आती है थायराइड के अंदर, थायराइड में आपने एक चीज देखा होगा आपके बहुत कॉमन तौर पे डिजीज है हाइपो और हाइपर। अब यहां पे मैं आपको थोड़ा एक जगह लेके जाता हूं, कुलियात अदविया के अंदर एक टॉपिक है, वो टॉपिक है आपका दवाओं के असरात आजा पर। तो थायराइड में दो चीजें हैं, अगर तहरीक बढ़ रही है तो आप उसको हाइपरथायरॉइडिज्म का नाम देते हैं, और अगर तहरीक कम हो रही है तो आप उसको हाइपो का नाम देते हैं। तो ये जो हाइपो और हाइपर है, हमारे पास यहाँ पे जो खिल्प तहरीक पहुंचाती है और जो खिल्प सुस्ती पैदा करती है, उस चीज को हम जो है तो मार्किंग, इसी में जो है तो आपका कुशिंग सिंड्रोम आता है। अब वो बहुत ज्यादा टॉपिक हो जाएगा, कॉमन पेशेंट के हिसाब से मैं आपको यहाँ कॉमन चीज बताना चाह रहा हूं। अब हम दम्मे के अंदर और एक दवा है जो दम्मे के अंदर भी और थायराइड के अंदर भी काम करती है, ऐसा है, और वो दवा बहुत आसान और बहुत सस्ती है, सरस जिसका नाम है, जिसके जार इसको सुल्तानुल अस्जार के नाम से जाना जाता है, जिसकी छाल भी और जिसका जो है तो आपके तुख्म इस्तेमाल होते हैं। इसके पत्ते आप जोशांदे की शक्ल, ये क्या बोलते हैं आपके मसाज वगैरह के लिए, इनके बाप के लिए इलाज भी तदवीर में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, करते नहीं बहुत से लोग, अंदाजा नहीं है, ये पूरे के पूरा झाड़ जो है तो इस्तेमाल के काबिल है। इसकी छाल हाबिस और खाबिस है, कहां से भी कैसा भी खून अगर आ रहा है आप वो छाल को सुखा लीजिए, और सुखा के उसका सुफूक बना लीजिए, और वो सुफूक जो है तो उस पर आप डाल दीजिए। आवाज आ रही है ना जी? सर आ रही है। हाँ, अब इसी तरीके से तो ये जो सरस तुखमे सरस है ये अस्थमा के अंदर और बलगमी खांसी के अंदर बहुत बेहतरीन काम करता है, सीओपीडी के अंदर ये जो है तो काम करता है। मैं क्लिनिक पर ही बैठा हूं, अगर आपको बोले तो मैं आपको माफी के साथ, आसिफ भाई जी सर, ये मेरा क्लिनिक है, ये क्लिनिक के पे ही मैं एक पेशेंट का मुख्तसर जो है तो हिस्ट्री मेरे पास लिखी हुई रहती है जी, मैं आपको वो कैसे कैसे बताऊं आपको, ऑनलाइन कैसे बता सकते हो नहीं पता मेरे को, आता नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं सर, वो मुझे है ना फोटो खींच के भेज दीजिएगा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। एक मिनट हाँ आसिफ भाई जी सर बताए। ये आ रहा है पढ़ने में? हाँ सर दिख रहा है, पढ़े जा रहा है कुछ थोड़ा सा ऊपर जी सर। ये है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी सीओपीडी जी, ये लिखा है आसिफ भाई, ये पूरा मेरा ट्रीटमेंट है,
ये 16-6 से आ रहा है पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, इसका सर फोटो खींच के आप शेयर कर दीजिएगा। सुनिए, ये जो सीजेट लिखा हुआ दिख रहा है आपको, हाँ, ये आप बोलेंगे अरे सर ये तो आपने एलोपैथिक दवा रखी है सीजेट। जी, ये जो अभी आपको जो नुस्खा शेयर किया ना मैंने, जी जी, काली सीरी सुहागतरिया और असल सुस्का, जी सर, उसी का नाम है सीजेट। आपकी जो एलोपैथिक दवा आती है सिटार्जिन, उसी के नाम से मैंने इसको इस्तेमाल किया, रखा हो नाम रखा हो। हेलो, जी सर, दूसरा जो है नीचे उसके उसके साथ में सरस है, सरस। अच्छा, तो में सरस, बस ये देखिए 16-6-2024 से आ रहा है, बीच में एक महीना डेढ़ महीने नहीं आया वो, जी कल वो आया था, तो अब मैंने उसमें एक चीज ऐड किया हूँ खाली। पहले दो टाइम मैं सीजर चला रहा था, एक टाइम जो है तो सरस चला रहा था, मैंने कल उसको जो है तो एक दवा ऐड किया हूँ आपके जालीनुस टीएन के नाम से, इसके अंदर टीएन टैबलेट जालीनुस का एन। जी, मेरे पास इस तरीके के नाम है आसिफ साहब। जी सर, जी सर, तो ये हम इस्तेमाल करते हैं, तुखमे सरस आप जो है तो बलगनी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरीके से मैं आपके क्या बोलेंगे बलगनी नुस्खे मुफरद नुस्खा आपको अगर बनाना है आप, तो उसमें ज्यादा नहीं है, 3 आपको सबको मालूम होगा और वो कॉमन तौर पर जो है तो सब जगह बताई जाती है। उसके अंदर है आपके तुखमे नीम, सॉरी वो तो मुसफ़ी का हो गया, तुखमे खत्मी, तुखमे खुबाजी और शपिस्ता, आपके असलसूस यानी कि मुलट्टी, और आपके चाहे तो उसके अंदर आप ऐड कर लीजिए गौजुबा। इसके अंदर आप जो है तो उस हिसाब से नुस्खे को तरतीब दे सकते हैं। और मैं आपको इसमें एक दमने के अंदर जो अभी कार्डिक अस्थमा की अगर हम बात करते हैं, कार्डिक अस्थमा में हम जो इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर खमीरे गौ जुबान अंबरी, बस एक पहला नहार पेट हम दे देते हैं उसको, खमीरे गौ जुबान अंबरी। और एक नुस्खा है उसके अंदर 4-5 ही दवाएं हैं, उसमें है अर्जुन छाल, उसमें है जंजबील, बादरंज बोया, गुले गाओ जुबान, आब रेशा। इसका आप सुफू बना लें या आप जोशांदे की शक्ल में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो जोशांदे की शक्ल में करें, बाकी सब दवाएं 5-5 ग्राम लें, और जंजबील जो है तो आप 5 ग्राम की ना लेते हुए 1-1.5 ग्राम जो है तो आप जंजबील डालें। ये एक वक्त के हिसाब से मैं बता रहा हूं, ये आप अल्लाह बेहतर जानता है। ये जो नुस्खा है आपके ब्लॉक भी अगर रहेंगे तो बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह ब्लॉक खोल देता है। आसिफ भाई, जी सर, हमारे फारूक है कि नहीं आज? जी फारूक साहब है, फारूक, अरे माशाल्लाह सर वो तो पहले फारूक साहब, जी यार, जी सर बैठा हूं, खास मुरीदों में से आप। टोली चौकी का नुस्खा क्या है मालूम है क्या? ये जो हाँ ये आसिफ भाई, हाँ जी सर, जी हैदराबाद में, हैदराबाद में एक मुकाम है वहाँ पे बहुत मशहूर हकीम इंतकाल हुआ उनका भी कोर्ट में। अच्छा, वो उनके लड़के अभी भी हैं, आबेद अली साहब के भी लड़के आरिफ है ना, हेलो, जी सर, जी सर, तो यही नुस्खा जो है तो आप अपने तौर पे आपके क्लिनिक पे जोशांदी की शक्ल में सुबह के औकात में बुला के अगर आप पिलाएंगे
तो आपकी मर्जी है, आप लोग अगर करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल कीजिए हार्ट के लिए, और अगर आप कार्डिक अस्थमा में इस्तेमाल करा रहे हैं तो आप उस तरीके से कीजिए, आपकी मर्जी रहेगी। अब इसी तरीके से आप इसके अंदर अगर चाहे दोबारा रिपीट हेलो जी सर, सर एक बार दोबारा रिपीट कीजिए। नमस्कार। हाँ देखिए, अर्जुन छाल जी, गुलेगांव जुबान जी, जंजबील जी, बादरंज बोया जी, दारचीनी आबरेशा मुखसर, ये आप अगर इसकी टैबलेट बनाना चाह रहे हैं तो हम क्या, हम तो क्या करते हैं कि मैं तो इस इतना ये एडजस्टमेंट से आता है तो वो हिसाब से, नहीं तो हमारे पास प्लेन अर्जुन की टैबलेट में भी कार्डियक अस्थमा में काम आती है। आप यकीन प्लेन अर्जुन, ये खाली आपको आप बोलेंगे अरे सर वो हाबिज खाबिज है और वो जो है तो खाली इसके लिए काम आती है, वो आपको मालूम है, लेकिन एक दवा से कितने फायदे ले सकते हैं आप और कितने डिजीज में उसको दे सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर वो चॉइस है अर्जुन छाल, आप अगर चाहे तो इस्तेमाल में ले सकते हैं। चलिए इसी तरीके से ये एक नुस्खा मैंने आपको कार्डियक के अंदर बता दिया। हम दूसरी बात क्या कार्डियक में क्या करते हैं, मैं या तो खमीर गौजुबा नंबर ही नहीं, बहुत ज्यादा ये कहना तो खमीर आबरेशम हकीम अरशद वाला, ये मेरा बहुत पेटेंट दवा है। आफ्टर 60 ईयर के लेडीज आओ या जेंट्स आओ, कोई भी डिजीज रहने दो, शुगर तक क्यों ना रहने दो, मैं बोलता हूँ खाला खालू हजरत ये दवा आपको जब तक अल्लाह हयात रख रहा है, भले से मेरे पास ना हो, आप अपना एक चने के बराबर सुबह नेहार पेट इसको चाटा करो। आप वो महंगी है क्या वो आप मुझे हमको नहीं मालूम, आप जो है तो उसको उस हिसाब से इस्तेमाल कीजिए बोल के मैं बता देता हूं। ये है, अब इसमें अगर आप चाहे, आजकल अभी हमदर्द की तो बंद हो गई नहीं आ रही है, जवाहर मोरा ये भी बहुत बेहतरीन कार्डियक अस्थमा में काम कर। अब आप इसको इसी तरीके से रखते हुए चाहे तो आप अक्सर जिगर हबे कभी नौशादरी वगैरह दोपहर में ऐसा लगाते हुए नुस्खा पूरा जो है तो तरतीब करते हुए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसी तरीके से जैसे मैंने बता दिया सरस के बारे में आपको, तो जो सरस का जहां तक ताल्लुक है बलगम ही इसके अंदर, तो आप जो है तो उसको सीओपीडी के अंदर आप उसको बलगमी अपने ब्रोंकल अस्थमा के अंदर आग बनकर चला सकते, और आप यकीन करेंगे राइनाइटिस में काम करता है, और इसकी निस्वार यानी धुई इलाज भी तदवीर के अंदर, मैं आपको तो वो बता रहा हूँ वो चीजें मेरे समझ से थोड़ी आपसे बाहर हो गई, आज तक मेरे अपने समझ में नहीं आ रही है कि हम इलाज भी तदवीर को एक ही तदवीर पकड़ के बैठे हैं, हमको दूसरी किसी किस्म की कोई तदाबीर नजर नहीं आ रही है। आसिफ भाई जी सर, बात सही है कि गलत है? हाँ आ रही है ना,